आपको रिजवान इफ्तिकार, पर ज्यादा डर आपको ये है कि उनकी बॉलिंग वर्सेस आपकी बैटिंग क्या होगा, ज्यादा आपका डर ये है जो आपको लगता है कि डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है कि आप ऊपर गेंदबाजी ठीक है, आप हमारे पास भी अच्छे गेंदबाज हैं तो उनके बल्लेबाजों को हम रोक सकते हैं, बट अब हमारी बल्लेबाजी बेहतर कर गई उनके खिलाफ तो फिर आपको एज मिल जाता है, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस उठा के देखिए जो पाकिस्तान ने भारत को हराए उनमें हुआ क्या है, भारत का टॉप ऑर्डर ध्वस्त हुआ। शाहीन का पहला ओवर तो आप डरोगे ही डरोगे भाई, लेकिन भाई जब ये आएंगे शाहीन शाह अफरीदी आएगा तो आपने 2022 T20 वर्ल्ड कप में वो डर देख लिया था ना, 21 वाला डर 22 में दिखा था, नहीं मैं दावे से कह सकता हूँ 21 वाला डर आपको 23 में भी दिखेगा। अभी एनिलसन ने पहले से ही देखा है और उन्होंने वो भी देखा होगा फेज जब पाकिस्तान ने डोमिनेट किया था, एग्जैक्टली आपने वो भी फेज देखा जहां पर इंडिया डोमिनेट किया, हमने जो बेहतर देखा उस तरीके से कि जब समझ हुई तब इंडिया डोमिनेट कर रही थी, बट अब हमें भी मजा आता है यार मैच, मतलब ऐसा नहीं है कि जी दिन भर से बिल्डअप करने, एक एक हफ्ते से पहले शोज नॉनस्टॉप सुपर हिट मुकाबला, ये मैच खुश पटाखा और मैच मतलब लिटरली 5-6 ओवर में, क्योंकि T20 के मुकाबला 16 का T20 वर्ल्ड कप आप देखो, एशिया कप वो सब ऐसा लगता था कि 6-7 ओवर में खत्म। तो हम भी एज क्रिकेट फैन कह लो आप, हम इंजॉय करते हैं ऐसे कॉन्टेस्ट, जो हमने एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान देखा, जो हमने इवन एशिया कप वो वाला देखा जब शाहिद अफरीदी ने वो छक्के मारे और मैच जिताया, या आपको हम पिछला जो वर्ल्ड कप कह रहे हैं वैसे मैचेस देखने में मजा आया, फाइट थी, कॉन्टेस्ट था। तो ये कॉन्टेस्ट को और एक्नॉलेजमेंट कोई गलत चीज नहीं होती, विराट कोहली ने जो पिछले साल जब एशिया कप का फुटेज और हुआ इंटरव्यू दोबारा उन्होंने कहा है ना यार बाबर आजम बहुत अच्छे हैं, बड़े अच्छे से उन्होंने बात करी और बड़ा अच्छा मैं उनको रेट करता हूँ, दुनिया में जो भी जो बल्लेबाज है मैं मानता हूँ कि वो है उस पर डिग्री का, उस एबिलिटी का, आप बाबर आजम अच्छे इसमें कोई गलत या कुछ हो नहीं करा। अल्टीमेटली एक फैक्ट ये भी है कि भले ही जो इंडिया पाकिस्तान की गेम है, जैसे हमने कहा बाबर की हमने बात करी, उस लाइनअप में इमाम कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं, आपके पास जो फकर जमान है वो एक आपको चैंपियंस ट्रॉफी से आपको लगता है कि वो एक्स फैक्टर है भाई, नहीं अब हो गए हैं, बीच में उनका भी थोड़ा डिप आया था और फिर देना